हाय, मैं रमित घई लेकर आई हूँ आपके लिए एक न्यू रेसिपी, राजस्थानी आलू पालक भाजी। तो देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता है। खड़े मसालों से बनी ये राजस्थानी रेसिपी स्वाद से भरपूर और पौष्टिकता भरी, तो आइए देखिए इसे बनाने का तरीका। इसके लिए हमें चाहिए 2 गड्डी पालक, अच्छे से धो लें और इस तरह से काट कर चॉप कर लें। 15 से 20 छोटे आलू, ये आसानी से आपको बाजार में मिल जाएंगे। 10 से 12 छोटे प्याज। खड़े मसाले जैसे लौंग, इलायची, दालचीनी, साबुत काले मिर्च, तेज पत्ता और सूखी लाल मिर्चें। अब आते हैं सूखे मसाले जैसे नमक, लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला और जीरा। 5 से 6 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल में हम इसे पकाएंगे। तो आइए चलिए हम अपना प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आलू और प्याज दोनों को छीलकर 2 हिस्सों में काटकर अलग रख लें। अच्छे से धोकर पानी में कुछ देर के लिए रख दें। प्याज भी इसी प्रकार अच्छे से धोकर पानी में रख दें। अब एक नॉनस्टिक पैन लें, उसमें रिफाइंड ऑयल डालकर उसको थोड़ा सा पकने दें। अब उसमें खड़े मसाले डालें। 1-2 मिनट के बाद आलू और प्याज दोनों इसमें डाल दें। स्पैटुला की मदद से अच्छे से दोनों को टॉस कर लें। अब इसमें लाल मिर्च डालें, जीरा, हल्दी, गरम मसाला और नमक डालकर अच्छे से टॉस करके इस मैरिनेशन को 1/2 से 1.5 घंटे के लिए ढक कर रख दें। जब मैरिनेशन को 1/2-1.5 घंटा हो जाएगा, तब आप ढक्कन उतार कर इसे गैस पर रखें और धीमी आंच पर हिलाते मिलाते रहें। याद रहे, ये सारे मसाले इस पर कोट हो जाएं, आपको दिखने लगेगा कि घी अलग हो रहा है और आलू जो कच्चे हैं, प्याज जो कच्चे हैं, वो हल्के ब्राउन होने शुरू हो जाएंगे, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें हरा पालक जो हमने धो करके रखा है वो हम इसमें डालेंगे। याद रहे, आंच धीमी ही हो, यदि तेज हुई या मीडियम हुई तो नीचे लगने का खतरा रहता है, इसलिए धीमी ही रखें। कुछ इस तरह से आप पालक को देख सकते हैं। स्पैटुला की मदद से अच्छे से टॉसिंग करें, याद रहे नीचे लगने ना पाए। इस पानी को तब तक पकाएं जब तक कि ये सूख ना जाए। बीच बीच में आप चेक कर लें। लाल मिर्च डालें और अच्छे से मिला लें। नमक डालें और 1-2 मिनट और पकाएं। इस तरह से आप देख सकते हैं। 5 से 7 मिनट और इसे टॉस करें, जिससे कि नमक और लाल मिर्च अच्छे से मिल जाएं। इस तरह से ये पक कर तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म रोटी या परांठे के साथ परोसें। तो इसी के साथ मैं अलविदा लेती हूँ। जल्द से जल्द कुछ नया लेकर आऊँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।